एक कप मटर से बनाएंगे ग्रीन फिश करी। इसका स्वाद बिल्कुल ही ऐसा ही होता है जैसे कि फिश करी का होता है। एक बार आपको ये मटर की रेसिपी बनाकर खाने के बाद आप सोचने के लिए मजबूर हो जाएंगे, क्या मटर से भी इस तरह की रेसिपी बनाई जा सकती है। पिजीज किचन में आपका स्वागत है और चलिए बनाते हैं मटर से ग्रीन फिश करी। इस रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले हम ग्रीन फिश बनाएंगे। सबसे पहले लेते हैं एक कप मटर, ग्राइंडर के जार में डालते हैं ये मटर, एक हरी मिर्ची, एक इंच अदरक का टुकड़ा, दो फली लहसुन और ये कटी हुई धनिया। इन सारी चीजों को दरदरा हम पीस लेते हैं। मटर का दरदरा पेस्ट हमने बना करके तैयार कर लिया है, इसे एक बाउल में निकाल लेते हैं। जार में मटर लगी हुई है, इसी जार में ग्रेवी वाले इंग्रेडिएंट को डाल करके इसका भी हम एक पेस्ट बनाकर तैयार कर लेते हैं, जिसमें सबसे पहले ये एक हरी मिर्ची, ये लहसुन, एक इंच अदरक का टुकड़ा और ये बारीक कटा हुआ एक प्याज, दो बड़े साइज के टमाटर इस तरह से काट करके इसका हम बारीक पेस्ट बना लेते हैं। पेस्ट बना करके हमने तैयार कर लिया है, इसे भी एक बाउल में ट्रांसफर कर लेते हैं। अब इस मटर में हम ऐड करेंगे बारीक कटा हुआ प्याज, ये आधा चम्मच नमक और 3 चम्मच बेसन। इसे अच्छी तरीके से हम मिक्स करेंगे। मटर की ये मिक्सचर अच्छी तरीके से मिक्स हो गई है। इसमें से एक बॉल आकार के छोटा सा हम मिक्सचर ले लेते हैं, हाथों में इस तरह से घुमा घुमा करके गोल आकार दे देते हैं और इस तरह से एक प्लेट में रख करके इसे पहले चपटा बना दें, फिर उंगलियों के सहायता से बीच में इसे थोड़ा सा छेद बना दें, जिससे ये देखने में बिल्कुल फिश के पीस के तरह दिखाई पड़ेगी। बाकी बचे हुए मिक्सचर से हमने सारे फिश शेप बना लिए हैं। अब इन शेप को हम कर लेंगे फ्राई। गैस ऑन करके पैन को हमने गर्म होने के लिए रख दिया है। पैन हमारी जब गर्म हो जाए तो इसमें हम डालेंगे 4 से 5 छोटे चम्मच तेल। तेल जब हमारी गर्म हो जाए तो इसमें हम एक एक करके ये फिश के पीस को इसमें डालेंगे। मीडियम फ्लेम पर इसे हम 3 से 4 मिनट तक एक साइड से पकाएंगे। जब एक साइड से अच्छी तरीके से पक जाए तो हम इसे पलट देते हैं। दूसरे साइड से भी 3 से 4 मिनट तक हम इसे पकाएंगे। दोनों साइड से जब ये पक जाए तो इस फिश वाले शेप को हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं। पैन हमारी गरम है ही, इसमें हम फिर से ऐड करते हैं 3 से 4 बड़े चम्मच तेल। तेल जब हमारी गरम हो जाए तो इसमें हम ऐड करेंगे 1 चम्मच जीरा, 1 तेज पत्ता। जीरा और तेज पत्ता जब चटक जाए तो इसमें हम ऐड करेंगे ये बारीक कटी हुई थोड़ी सी प्याज। प्याज को भी हम 1 से 2 मिनट तक अच्छी तरीके से भून लेते हैं। प्याज हमारी भुन चुकी है, अब इस स्टेज पर हम इसमें ऐड करेंगे मसाला वाला वो पेस्ट जिसे हमने पहले ही पीस करके रख लिया था, प्याज टमाटर हरी मिर्ची का। प्याज और टमाटर को 1 से 2 मिनट तक भुनने के बाद इसमें हम ऐड करेंगे सारे मसाले, 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच जीरा पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 2 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, हमने हरी मिर्ची भी डाला है इसमें। अगर आप यहाँ पर तीखा खाना पसंद करते हैं तो लाल मिर्च पाउडर भी ऐड कर सकते हैं, 1/2 चम्मच गरम मसाला पाउडर, 1 चम्मच नमक। इन सारी चीजों को ग्रेवी में अच्छी तरीके से मिक्स करके हम भूनेंगे। इस ग्रेवी और मसाले को हम तब तक भूनेंगे जब तक कि इससे तेल अलग ना होने लगे। 5 से 7 मिनट में ये तेल छोड़ना शुरू कर देता है, तो ये देखिए इस तरह से तेल जब अलग होने लगे तो समझे कि ये मसाले अच्छी तरीके से भुन चुके हैं। अब इस ग्रेवी में हम ऐड करेंगे गरम पानी। गरम पानी में ग्रेवी को अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद उबाल आने तक हम इसे पकाएंगे।
इस ग्रेवी में पानी की मात्रा आप अपने थिकनेस के हिसाब से डालें। ग्रेवी में उबाल आने लगी है, इसे 3 से 4 मिनट तक अच्छी तरीके से उबालें। अब इस उबली हुई ग्रेवी में हम ऐड करेंगे अपने ग्रीन फिश के पीसेस को। एक एक करके सारे पीस को हम इस ग्रेवी में डाल देते हैं। 1 से 2 मिनट तक इन पीसेस को ग्रेवी में पकने दें, ताकि ये पीसेस मसाले का फ्लेवर एब्जॉर्ब कर ले। ज्यादा देर तक इन पीसेस को ग्रेवी में पकाना नहीं है, नहीं तो ये टूट कर ग्रेवी में मिल जाएगी, इसीलिए इसे 1 से 2 मिनट तक ही पकाएं। और ये अच्छे से पक जाने के बाद इसके ऊपर से हम डालेंगे कटी हुई धनिया के पत्ते। अब ये गर्मा गर्म मटर से बनी हुई ग्रीन फिश करी बन करके तैयार हो गई है। आप इसे रोटी, पराठे या चावल किसी भी चीज के साथ खा सकते हैं। ये बहुत ही स्वादिष्ट होता है। अगर आपको मटर की हमारी ये रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कीजिए और हमारे चैनल पीजीज किचन को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।